एयरफोर्स में काम करते, उनके यहाँ जाके छुप गई। अपना करियर टेलीविजन पे गाने ही से शुरू करने आई थी, तो लिहाजा लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ये हमें गाना कब सुनाएंगी। तो आप आज हमें कौन सा गाना सुना रही है हमारे प्रोग्राम में? मैं आपको पंजाबी का गाना सुनाऊंगी, लेकिन बाद में बताइएगा कि पंजाबी मैंने सही गाई कि नहीं। अच्छा, तो आइए सुनाइए। आपने तो बहुत उम्दा गाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया। और मैडम का गाया हुआ गाना आपको पता है कि आसान भी नहीं होता। आपको बताऊं कि मैं इसकी टांग तोड़ रही थी ना, पंजाबी की पश्तो की भी तोड़ लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो कोई पश्तो गाना भी सुनाएंगी क्या? हिम्मत है सुनने की? नहीं, आप दो ऐसे गुनगुना के सुना दे। हाँ, थोड़ा सुनाती हूँ। सुनाइए, ऐसे गुनगुनाइए। क्या है? इंतजार कहूँ मस्ता दस्तरगु बले पाना श्वेत जमा दस्तरगु, इंतजार कहूँ मस्ता दस्तरगु बले पाना श्वेत जमा दस्तरगु। हर चाता गोरमा दुनिया लटौमा, हर चाता गोरमा दुनिया लटौमा, हर चाता गोरमा दुनिया लटौमा, हर चाता गोरमा दुनिया लटौमा। निश्ता आगा चरता खंदा दस्तरगु वले पन्ना श्वेत जमा दस्तरगु, निश्ता आगा चरता खंदा दस्तरगु वले पन्ना श्वेत जमा दस्तरगु। ज इंतजार कहूँ मस्ता दस्तरगु वले पन्ना श्वेत जमा दस्तरगु। वाह, हमारे पिशावर और पुदर फ्रंटियर के देखने वाले नाज़रीन तो बहुत खुश हुए होंगे कि आप इतना अच्छा, एक तो पंजाबी गाती है, पश्तो भी गाती है माशाल्लाह, उर्दू तो खैर आप है ही है, बोलती भी है, गाती भी होंगी,
तो ये वाकई एक हमारे नाज़रीन के लिए तो एक ख़ास तोहफा आज आपने अपना गाना गा के दिया है। अच्छा अब ये बताइए, खुदा की बस्ती में जब आपने काम किया, उस वक्त आप माशाल्लाह उस उम्र में थी जब आप हीरोइन का रोल भी कर सकती थी, उस वक्त आपने माँ का रोल किया, उसकी क्या वजह थी? मैंने खुदा की बस्ती करने से पहले दो एक हीरोइंस के रोल कर लिए थे, फिर जब ये मुझे रोल मिला और चैलेंजिंग रोल था और मुझे कहा गया कि नहीं आप कर सकती हैं, आप करें, अच्छा। तो फिर मैंने फिर उसे कबूल किया, मैंने कहा ठीक है। अब आजकल जो आपके पास जो ऑफर्स आते हैं, अब कोई सीरियल या कोई लॉन्ग प्ले वगैरह, वो साइन करने से पहले आप कहानी पूछ के बारे में पता करती है, पहले ही पता होता है कि मुझे माँ बनना है? नहीं, ये तो पता होता है कि अम्मा या दादी बनना है, ये तो पता है कि अम्मा दादी यही बनना है। जाहिर है कि वो हीरोइन वाला तो जब नहीं बने तो अब क्या बनेंगे। नहीं यार, आपने अभी तक माशाल्लाह इतने हज़ारों की तादाद में गाने आप गा चुके हैं, खुद भी कंपोज किए हैं आपने कोई गाने? नहीं मैम, मैं एक्चुअली जब इस प्रोफेशन में नहीं आया था तब मैं कुछ ट्यून बना लेता था, लेकिन जब मैं इसमें आ गया तो उसके बाद मैंने देखा ये तो बड़ा मुश्किल काम है ट्यून बनाना। और ये तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई गाना रिकॉर्ड करवाया हो और आपको लगा हो कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस ठीक है गाना है, पैसे मिल रहे, गा दिया और वो हिट हो गया हो? हुआ जी, वो जिद न कर इस कदर जाने जा, अच्छा एक मेरा गाना है, जिद न कर इस कदर जाने जा, हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहाँ, जो मजा मान जाने में है। तो वो इतना हिट हुआ गाना हिट हुआ बॉस। चलिए अब एक और मेरा सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं कैच द मैच। इसमें थोड़ा सा दखल आप लोगों का भी है, वो ये है कि हम लोगों को तीन गाने दिखाते हैं और फिर हम इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि हमारे जो आज के हमारे जो दो मेहमान हैं, इन तीन गानों में से इनकी पसंद का कौन सा गाना है। तो आइए आज का कैच द मैच देखिए तीनों गाने और पहचानने की कोशिश कीजिए कि हमारे मेहमानों की पसंद का इसमें कौन सा गाना है। जी नाज़रीन, आपने तीनों गाने देखे
अब ये बताना है कि आज हमारे जो दो मेहमान बैठे हैं,